आने वाली ओल्ड एज है उसमें कुछ होने वाली खास गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी इस 40s में होनी शुरू हो जाती है, तो उन चीज़ों के लिए भी अपने आप को अलर्ट रखें। हार्ट डिजीज़ के लिए अपने सारे टेस्ट कराते रहें, कैंसर के लिए आपको ना हो जाए उसके लिए अपने टेस्ट कराते रहें। महिलाएँ खास तौर पर अपना ख्याल रखें, मीनोपॉज की स्टेज उनकी आने वाली शुरू हो जाती है, या ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ें या सर्वाइकल कैंसर जैसी चीज़ें उनको अटैक कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए अपनी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कराते रहिए। और अपनी नेचर में शामिल कीजिए कि हर साल में एक बार और लेट 40s में हर साल में दो बार आप अपने सारे शरीर के इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएंगे, ताकि कहीं कोई कमी या कोई ख़राबी सामने आए तो उसका तुरंत टाइम पर इलाज कर लिया जाए, ताकि वो आगे चल के गंभीर समस्या ना मिले। इसके साथ साथ अपना खान पीन में आप बदलाव रखें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बाहर का खाना, जंक फूड या इस तरीके के ड्रिंक्स जो आपके शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं उनको बंद कर दीजिए, और आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हर छोटी छोटी दर्द या तकलीफ़ के लिए पेन किलर्स ना खाएं, आयुर्वेद की हेल्प लें, और अपनी बॉडी को साल में दो बार जब मौसम चेंज होते हैं, यानी कि फरवरी मार्च और फिर अक्टूबर नवंबर, ऐसे दो ऋतु संधि काल जब ज़िंदगी में आते हैं, मौसम में आते हैं, उस वक्त अपने शरीर को पंचकर्मा की थेरेपीज के द्वारा डिटॉक्सिफाई कराने की कोशिश करें, ताकि आप सेल्फ रिजुविनेट हो सकें और ऐसे रसायन अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो आपकी बुढ़ापे को वहीं रोक सकें। बहुत सारे रसायन जिसमें आंवला है, अमृता है, ऐसे हरड़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो व्यवस्थापक कही गई हैं आयुर्वेद में, यानी कि आज आप जैसे दिखते हैं आज से 10 साल बाद भी आप वैसे ही दिखते रहें, इसलिए उन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से अपने आप को एग्जामिन कराएं, और जो रसायन आपके लिए उचित है उसको अपने शरीर में अपनी प्रकृति के हिसाब से लेना शुरू करें। फिट रहें मेंटली भी फिजिकली भी, और इन्जॉय करें 40s को, 50s को, 60s को, और हम तो चाहेंगे 100 वर्ष तक सब जिएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।